क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ बुजुर्गवार? बस कुछ ही दिनों की मेहमान है तू इस कुटिया में। क्या हमें यहाँ से निकाला जाएगा? क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या गलत या सही ये तो सिर्फ नियति जानती है, पर इस कुटिया में अब तेरे दिन पूरे हो गए। तू जल्द ही यहाँ से कहीं और जाएगी। तेरे इस कोख में पल रही संतान, ये संतान तुम्हें वहां ले जाएगी। वहां के बारे में तूने सोचा नहीं होगा। तुझे परीक्षा देनी होगी, कठिन परीक्षा। महल और सल्तनत की आबो हवा बदल देगी एक औरत। औरत की वजह से मोगल सल्तनत का इतिहास बदल जाएगा। वो औरत कोई और नहीं, तेरी ये संतान होगी। कुटिया से महल तक पहुंचाएगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। होशियार, ये औरत कौन है? अभी पूछ के बताते हैं। बांदी, प्रणाम। ये बूढ़ी औरत कौन है और हरम में क्या कर रही है? ये आमिर की शगुनी बाई हैं, जोधा बेगम से मिलने आई हैं। अच्छा, तो ये शगुनी बाई है जो सितारे देखकर मुस्तकबिल बयां करती है। उल्टे पाँव, अशुभ संकेत। हमारे यहाँ उल्टे पाँव डायन का प्रतीक होते हैं। डायन का साया कभी कभी इंसान के रूप में आता है और कभी कभी इंसान डायन के रूप में। प्रणाम बेगम साहिबा, शगुनी बाई आई हुई है। शगुनी बाई यहाँ? हम आते हैं, हम आते हैं अभी। सलीम की रक्षा के लिए ये ताबीज उत्तम है जोधा। अच्छा शगुनी बाई, ये ताबीज तो इन्हें आशीर्वाद के रूप में मिला है। जिसने भी ये ताबीज दिया है ना, उसने रिश्ता जोड़ लिया है। हम समझे नहीं। समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये रूहानी का रिश्ता है दो दिलों के बीच, और खुद नियति साक्षी है इस बात की। अच्छा, तो अब आप भी हमारे बेटे सलीम को आशीर्वाद दीजिए। शगुनी बाई क्या कहती हैं आपकी कौड़ियाँ? यही कि ये बालक औरों के दिल को अपने दिल से जीतेगा। यही दिल से दिल मिलने से इस महल में भूचाल आएगा। तेरा बेटा जो बोलेगा, सोचेगा, वो दिल से बोलेगा, पर इसके प्यार का रंग लहू जैसा लाल होगा। इसकी प्रेम कथा लहू से लिखी जाएगी। युद्ध का कारण होगा इसका प्रेम। लोग अपने ही खून से रिश्तों में बंटवारा लाएगा इसका प्रेम। कैसा बंटवारा? तेरा बंटवारा जोधा, बटेगी तू हर स्थान पे हर समय। एक और ईमान खींचेगा तुझे और दूसरी ओर तेरा प्यार। तेरा प्रेम युद्ध का पैदा हुआ, इसका प्रेम युद्ध का पैदा करेगा। बहुत बड़ा शहंशाह बनेगा ये,
पर कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। दिल टूटेगा इसका, दो स्त्री होगी इसके जीवन में, एक दिल तोड़ेगी और दूसरी जोड़ेगी। नया अध्याय शुरू होने वाला है जोधा। अब खामखा की बात पर परेशान ना हो जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इतने शांत कैसे हैं। हम जानते हैं शगुनी भाई जब भी कोई बात बोलती है तो उनकी बात अक्षर दर अक्षर सच होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम। और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये उस वक्त की बात है। उस वक्त हम इस बात का सामना कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन हम तब भी कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। आप जानती हैं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं सलीम से, तो हमारे बीच जंग होने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर फिर भी कोई बात होती है तो आपके खाना तो हमेशा हमारे साथ होंगे ना, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। से आगे बढ़ता जा रहा था। जलाल के आशा भरे शब्दों से जोधा की चिंता कम हो गई थी, पर समय को एक बार फिर से अकबर और जोधा की परीक्षा लेनी थी। नन्ना शहजादा सलीम एक बहुत गहरे रोग की चपेट में आ गया। जोधा और जलाल के सामने उनके अतीत का पन्ना फिर से खुला पड़ा था कि कहीं वो हसन और हुसैन की तरह ही सलीम को खो तो नहीं देंगे। आदाब हुजूर, शहजादे सलीम कैसे हैं आप? बस अल्लाह ताला के करम से अब वो दुरुस्त है, और आप सबकी दुआओं का असर है। या खुदा। हुजूर, आपको अपना किया हुआ वादा याद है ना? आपने कहा था कि हमारी औलाद का नाम आप रखेंगे। बेशक हमें याद है। आज से इस बच्ची का नाम होगा नादिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बैठिए, इसे दुआ दीजिए बेगम साहिबा। ईश्वर तुम्हारी बेटी पर प्रेम की दृष्टि सदा बनाए रखे। एक ऐसा रिश्ता जुड़ चुका था अनारकली के जन्म के साथ उसकी तकदीर का, जो जिंदगी भर साथ रहा। उस वक्त अकबर को भी नहीं पता था कि उसका ये वादा उस पर कितना भारी पड़ेगा, और वो बच्ची जिसको वो नाम देगा वो अकबर के नाम को बाद में अपने नाम से शिकस्त देगी। इसी बच्ची का नाम बाद में अनारकली पड़ा। समय बीतते देर नहीं लगती शहंशाह, 8 वर्ष गुजर चुके थे और हमारा बेटा सलीम 9 साल का हो गया था। सच ही कहा था शगुनी बाई ने जोधा बेगम, हमारे शेखो बाबा दिल से ही सोचते थे, आप ही की तरह बचपन से। बच्चे कहां दिल से सोचते थे। हाँ, वो सलीम से अलग थे, हर रोज नई शरारत। मुराद, पक्का नहीं चुकेगा आपका निशाना, छोड़िए तीर। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।